देगी। दोस्तों, भारतीय रेलवे देश में यातायात का बहुत बड़ा साधन है। लोग एक राज्य से दूसरे राज्यों में पहुंचने से लेकर लोकल ट्रेन के माध्यम से एक शहर से दूसरे शहर तक भी सफर करते हैं। छुक छुक चलती रेलगाड़ी लोगों को सकुशल उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है। यही वजह है कि रेलवे में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या करोड़ों में है। आपने भी रेलवे में जरूर सफर किया होगा। रेलवे स्टेशन से लेकर रेलवे प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी तक बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। हालांकि क्या इस बीच आपने कभी रेलवे पटरियों पर आग लगते हुए पाई है? यदि हाँ, तो आप ये देखकर चौंक जाते होंगे और किसी दुर्घटना के होने की गलती समझ लेते होंगे। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये आग किसी दुर्घटना की वजह से नहीं बल्कि रेलवे कर्मचारियों द्वारा ही जानबूझकर लगाई जाती है जिससे हादसा ना हो। अब सवाल ये है कि आग लगाने से भला हादसा कैसे रुक सकता है, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, हाल ही में उड़ीसा की ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट ने देश दुनिया को विचलित करके रख दिया है। इस भयानक हादसे में 275 लोगों की मौत हो गई है, 1100 के आसपास घायल हुए हैं। हादसे की वजह सिग्नल में गड़बड़ी को माना जा रहा है। बता दें कि 2 जून की शाम शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस चेन्नई से हावड़ा जा रही थी, वहीं बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस हावड़ा से आ रही थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस को लूप लाइन पर ग्रीन सिग्नल मिला जिस पर मालगाड़ी खड़ी थी, जिसके बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई। मालगाड़ी में लोहा लदा था, इसीलिए वो हादसे का धक्का झेल गई। उधर मालगाड़ी से टकराने के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे तीसरे ट्रैक पर जा गिरे। इसके बाद उसी ट्रैक पर आ रही बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस कोरोमंडल की बोगियों से टकरा गई। कोरोमंडल एक्सप्रेस 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही थी। दूसरी ट्रेन बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस 126 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। इस लाइन पर ट्रेनों की रफ्तार की सीमा 130 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसीलिए दोनों में से कोई भी ट्रेन ओवर स्पीडिंग में नहीं थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस को हरी झंडी मिली थी। रेलवे बोर्ड के प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संदीप माथुर ने बताया कि लूप लाइन पर ट्रेन को ले जाने के लिए एक पॉइंट होता है, उसे ऑपरेट करना होता है, जिससे यह तय किया जाता है कि ट्रेन सीधी जाएगी या लूप लाइन पर जाएगी। वहीं सिग्नल इस तरीके से इंटरलॉक होते हैं कि जिससे पता चल जाए कि आगे की लाइन बिजी नहीं है और ट्रेन लूप लाइन पर जा रही है। ट्रेन को सुरक्षित तरीके से ट्रैक पर ले जाने के लिए यह बेहद अहम होता है। सिग्नल की दिक्कत तब आती है जब रेलवे की जानकारी के बिना ट्रैक पर कोई काम करता है। इससे कई बार केबल कट जाने से सिग्नल फेल होने की संभावना रहती है। वहीं दूसरा कारण शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। अब आते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पर कि ट्रैक पर आग लगाने के पीछे क्या वजह होती है। दरअसल इससे हादसे का बचाव होता है। जी हाँ, रेलवे ट्रैक कई पटरियों को जोड़कर तैयार किया जाता है। रेलवे ट्रेन कभी भी कोई लंबा ट्रैक नहीं बिछाती है। कुछ किलोमीटर के अंतराल पर 2 पटरियों को फिश प्लेट की मदद से जोड़ा जाता है। इन पटरियों के बीच कुछ दूरी भी रखी जाती है। यही प्रक्रिया पूरी रेलवे ट्रैक पर अप्लाई होती है। आपको बता दें कि यदि 2 पटरियों को एक साथ पूरा जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। दरअसल रेलवे की पटरियों पर मौसम का बड़ा प्रभाव पड़ता है। गर्मी के मौसम में रेलवे की पटरियां फैलती हैं और सर्दी के मौसम में सिकुड़ती हैं। ऐसे में यदि रेलवे इन दोनों पटरियों को पूरी तरह से एक साथ मिलाकर जोड़ दे तो पटरियों को फैलने की जगह नहीं मिलेगी, जिससे सारी व्यवस्था चरमरा जाएगी। ऐसी किसी स्थिति में पटरियों में क्रैक आ सकते हैं, पर यदि ऐसा होता है तो एक बड़ी ट्रेन दुर्घटना हो सकती है। रेलवे ट्रैक के लोहे की पटरियां तापमान कम होने पर सिकुड़ती हैं। यही कारण है कि रेलवे के कर्मचारी रेलवे पटरियों के जॉइंट पर कुछ दूरी तक आग लगाते हैं जिससे पटरियां गर्म हो जाएं और उनके सिकुड़ने का डर न हो। यदि आप सोच रहे हैं कि ये आग कैसे लगाई जाती है तो आपको बता दें कि रेलवे की पटरियों पर अनोखे ढंग से आग लगाई जाती है। रेलवे कर्मचारी एक कपड़े को मिट्टी के तेल या डीजल में भिगोकर रेलवे पटरियों के किनारे रख देते हैं और कुछ देर तक उन्हें यूं ही जलने देते हैं। कुछ देर आग लगे रहने से पटरियां गर्म हो जाती हैं और उनमें क्रैक आने की संभावना कम हो जाती है। रेल की पटरियों को आग के हवाले करना भले ही आसान काम लगता हो, लेकिन असल में ये बहुत ही खतरनाक ड्यूटी है। इसके लिए ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स की टीम को कड़ाके की ठंड में काम करना पड़ता है, जबकि आग जलाकर स्विच को चालू रखने और ट्रैक की मरम्मत करने का काम किया जाता है। हालांकि इस दौरान यह भी ध्यान दिया जाता है कि पटरियों पर अधिक समय तक आग न जले और ट्रैक पर लगी आग कंट्रोल में रहे, क्योंकि तेज हवाओं के संपर्क में आने से आग फैल सकती है और भयानक हादसा होने की स्थिति बनी रहती है। आपने अक्सर सर्दी के मौसम में देखा होगा कि रेल की पटरी पर कहीं कहीं बटन के जैसी कोई चीज लगी होती है, इसे डेटोनेटर कहते हैं। दरअसल जब भी सर्दी का मौसम आता है तो सर्दी के साथ कोहरे का आगमन भी हो जाता है।
कोहरे के साथ ही ट्रेन के लेट होने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। इस मौसम में रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर का इस्तेमाल भी शुरू हो जाता है, जिससे लोको पायलट को काफी मदद मिलती है। आपको बता दें कि रेलवे की ओर से रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर की मदद से ब्लास्ट किया जाता है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि रेलवे के ऐसा करने के पीछे क्या वजह हो सकती है। साथ ही आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर रेलवे ब्लास्ट करके क्यों अपनी ही संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा और रेलवे ट्रैक पर विस्फोट कैसे किया जाता है। बता दें कि यह विस्फोट आम बम ब्लास्ट की तरह नहीं होता है, यह सिर्फ माइंस ब्लास्ट होता है जिससे सिर्फ आवाज ही निकलती है। जब भी रेलवे ट्रैक पर यह ब्लास्ट होता है तो रेलवे ट्रैक को कोई नुकसान नहीं पहुंचता और बिना नुकसान पहुंचाए ही ये ब्लास्ट होता है। असल में ये ब्लास्ट लोको पायलट की मदद के लिए ही किए जाते हैं। ब्लास्ट सुनकर आपके दिमाग में दुर्घटना जैसा कुछ आ रहा होगा, लेकिन इससे कोई दुर्घटना नहीं होती है, बल्कि ट्रेन को दुर्घटना से बचाया जाता है। डेटोनेटर बटन को पटरियों पर लगाया जाता है। जब ट्रेन इन पर से गुजरती है तो इससे आवाज होती है। अब आपको बताते हैं कि ये विस्फोट सर्दी के समय ही ज्यादा क्यों किए जाते हैं। इसकी वजह ये होती है कि जब भी कोई स्टेशन आता है तो उससे पहले ये लगा दिए जाते हैं, और जैसे ही ट्रेन इनसे गुजरती है तो आवाज से लोको पायलट समझ जाते हैं कि कोई स्टेशन आने वाला है। वैसे कोहरे की स्थिति में कई बार स्टेशन का पता नहीं चल पाता, ऐसे में इन विस्फोट के जरिए लोको पायलट को जानकारी दी जाती है। इसके साथ ही कई बार रेलवे ट्रैक पर कोई दिक्कत होने पर भी पहले ही ये लगा दिए जाते हैं, जिससे लोको पायलट समझ जाता है कि कोई दिक्कत है और वो ट्रेन की स्पीड धीरे कर लेता है या ट्रेन रोक देता है। जैसे ही रेलवे कर्मचारियों को रेलवे ट्रैक की दिक्कत पता चलती है तो ट्रेन को रोकना जरूरी हो जाता है। ऐसे में डेटोनेटर का इस्तेमाल किया जाता है और खराब ट्रैक से कुछ मीटर पहले इसे लगा दिया जाता है। इस तरह ट्रेन को एक्सीडेंट से बचाया जाता है। दोस्तों, हर सेकंड सैकड़ों ट्रेन पटरियों पर गुजरती हैं, दौड़ती हैं, और आज के समय में उन्हें काफी अच्छे टेक्निकल सिस्टम के जरिए चलाया जा रहा है। आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पर कई पटरियां होती हैं। कैसे ट्रेन एक पटरी से दूसरी पटरी पर पहुंच जाती है। जब ट्रेन अपना रूट बदलती है तो उस समय कई लोगों को डर भी लगता है, लेकिन ट्रेन अपनी पटरी को बहुत ही आसानी से बदल लेती है। ट्रेन कैसे पटरी चेंज होती है या कैसे मुड़ती है, इस बारे में जानने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि ट्रेन कैसे चलती है। दोस्तों, ट्रेन पटरी को अंदर से पकड़कर चलती है, यानी ट्रेन के टायर पटरी में सेट रहते हैं। टायर में पटरी के अंदर का हिस्सा बड़ा रहता है जो पटरी को जकड़कर रखने में मदद करता है। ट्रेन की पटरी सीधी ही रहती है, लेकिन जहां इसे मुड़ना होता है वहां पटरी थोड़ी अलग रहती है। पटरी के बीच नुकीले रेल यानी लोहे की पटरी लगी रहती है, इससे आने वाली ट्रेन को दिशा मिलती है। ये थोड़ी घूमी हुई रहती है, इस वजह से ही ट्रेन को यहाँ थोड़ा सा घुमाना होता है या दूसरी पटरी पर शिफ्ट करना पड़ता है। यहाँ लॉक की जैसी पटरी होती है जिसे साइड में चिपका दिया जाता है, और इससे पटरी की दिशा बदल जाती है और ट्रेन दूसरी साइड में मुड़ जाती है। ये एक तरह से एडजस्टेबल पटरी होती है, लेकिन इसे ट्रेन के रास्ते के हिसाब से बदलना होता है। पहले ये काम रेल कर्मचारियों की तरफ से किया जाता था और वो दिन भर मैन्युअली हाथ से इसे बदल देता था, मगर अब ऐसा नहीं होता है। आज के समय में ये काम मशीनों के द्वारा किया जाता है। सिग्नल और रूट के हिसाब से इसे मशीन एडजस्ट करती है और उस हिसाब से ही ट्रेन को दिशा मिल जाती है और वो घूम जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए।